हेलो भाई, कैसे आप सब लोग। तो भाई आ गई है वीडियो। तो भाई ये है सीएनजी के ऊपर, क्योंकि सीएनजी में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही थी, अगर गाड़ी में सीएनजी है तो आप उसमें वूफर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो मैंने उसका एक जुगाड़ निकाला है नया, मतलब सीएनजी गाड़ी में वूफर भी इंस्टॉल कर सकते हो, सीएनजी भी बिल्कुल कवर हो जाएगी और आप सामान भी रख सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ आपको अपनी गाड़ी। पहले सीएनजी है तो आप उसमें वूफर नहीं इंस्टॉल कर सकते, तो आज इसी का एक नया जुगाड़ निकाला है, जिसमें ये देखो अभी मेरी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है और कितना भद्दा लग रहा है ये वूफर। मैंने वूफर इसमें लगा रखा है, ये देख सकते हो, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो इसकी जो बनने वाली है वो बनेगी, इसकी पूरा मतलब प्रॉपर बॉक्स बनेगा, ट्रे बनेगी। तो दिखाऊंगा मतलब किसी भी सीएनजी गाड़ी में आप उसको फिट कर सकते हो। इसमें मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती थी, ये देखो ये कितना खाली, बहुत मतलब अजीब अजीब सा लगता है। फिर इधर देखो, मतलब एक भद्दा सा लगता है। फिर अगर शीशा बंद करता ना मैं, तो यहाँ से वूफर अलग ही दिखाई देता था कि यहाँ वूफर लगा हुआ है, फिर ये जगह खाली है, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो इसकी भाई अब चल रहे हैं बॉक्स बनवाने, इसका प्रॉपर दिखाऊंगा कैसे बॉक्स बनेगा और कहाँ से बनना है। ये अपने चैनल सोनू कार एसेसरीज, तो दिखाता हूँ भाई आपको। तो चलते हैं भाई इसका बॉक्स बनवाने के लिए। तो भाई निकल पड़े हम दुकान से, तो दिखाता हूँ प्रॉपर बॉक्स। मतलब आप किसी भी सीएनजी गाड़ी में अगर आप वूफर लगवाते हो तो मतलब आप कुछ सामान भी नहीं रख सकते, लेकिन इस बॉक्स में ऐसा नहीं होगा कि आप सामान नहीं रख सकते, आप सामान भी रख सकते हो और आपका वूफर भी प्रॉपर फिट हो जाएगा। तो दिखाता हूँ भाई आपको। अगर पहुंच चुके अपनी लोकेशन पे, ये है फैजान भाई की शॉप, जो अब मतलब पेटी बनाने वाले हैं। तो फैजान भाई के पापा को भाई बोल दिया है साइज़ के लिए, तो अभी बिजी थे वे, तो अब साइज़ लेंगे गाड़ी का, क्योंकि इसमें एक ट्रे बननी है और एक वूफर का बॉक्स बनना है। वूफर का जो बॉक्स है मैंने बहुत छोटा करके बनवाया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनवाया ताकि जगह घेरे, उसके नीचे प्रॉपर ट्रे बनवाई है। तो अभी अंकल जी साइज़ ले रहे हैं पूरा प्रॉपर, क्योंकि अगर 19-20 होगा तो फिर वापस नया ही बनाना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो साइज़ लेने के बाद मतलब ट्रे अलग सेपरेट लगानी पड़ेगी, उसके बाद जो वूफर का बॉक्स है वो अलग सेपरेट करना पड़ेगा। हाँ जी भाई, ये ट्रे है अपनी, अब इसमें जो टायर है टायर की कटिंग होगी अलग से, ये देख सकते हो टायर की अलग से कटिंग करने के बाद फिर इसमें वूफर बॉक्स एडजस्ट होगा। तो अभी टायर की कटिंग करेंगे, उसके बाद मैं दिखाऊँगा आपको फिटिंग करके कि कैसा आएगा अपना, ये रेडी होने वाला है, मतलब रेडी होने में 1.5 घंटा लगेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये कटिंग हो रही है जो ये टायर की है, मतलब सेपरेट टायर उसमें आ जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी होने दो कटिंग, फिर दिखाऊंगा भाई आपको मैं कि प्रॉपर कटिंग होने के बाद अब फिटिंग करेंगे इसकी। तो भाई अपना साइज़ कर दें बाद में। तो भाई पूरी करो प्रॉपर इसकी फिटिंग हो चुकी है, ये मैंने यहाँ पे बॉक्स लगवाया, ये रही सीएनजी का, नीचे इसमें सिलेंडर आ गया इसके नीचे, और यहाँ पर आ गया इसका टायर स्टेपनी, यहाँ पे मैंने छोटा सा इसका एक बॉक्स बनवा के वूफर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। एक बार में तो मैं अंदर से दिखा दूँ भाई, तो अंदर से देखने के बाद थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मैंने इसका इंस्टॉलेशन कर दिया। एक बार आपको दिखा दूं, तो भाई इसमें मैंने ये करा है कि मतलब वूफर और एक उसके ऊपर बॉक्स बना के, यहाँ अपना ये सिलेंडर आ गया, उसके ऊपर आपका बॉक्स भी आ चुका, बॉक्स के अंदर वूफर भी आ चुका, ठीक है। और यहाँ पे अपनी सामान रखने की जगह भी बच गई पूरी, मैंने वो कवर नहीं कराई ताकि सामान रख सके हम। एक बार मैं आपको बाहर से दिखा दूँ। तो भाई ये हो चुका है रेडी, अगर किसी भाई को सीएनजी के लिए ट्रे बॉक्स कुछ भी ऑर्डर करके बनवाना है तो बन जाएगा, कोई भी गाड़ी हो, साइज़ अपने पास अवेलेबल है, आपको किसी भी गाड़ी का बनवाने का है तो आप ऑर्डर कर सकते हो, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो।